जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक विविधता वाला देश है और विभिन्न संस्कृतियाँ इसकी खूबसूरती को बयां भी करती हैं। उनमें से कुछ मुगलों द्वारा बनाई गई कई खूबसूरत इमारतें व मकबरे बनाए गए, जिसकी खूबसूरती की चर्चा हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और इन्हीं खूबसूरती को लोग हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इस खूबसूरती को निहारने आते हैं। तो इन्हीं खूबसूरती की चर्चा करते हुए आज हम पहुंचे हैं शेर शाह सूरी का मकबरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत वर्मा और आप देख रहे हैं प्रशांत वर्मा ब्लॉग्स। और जैसा कि मैंने बता चुका है, हम पहुंचे हैं अभी शेर शाह सूरी का मकबरा। और इस मकबरे की जितनी भी खासियत, खूबसूरती और सुंदरता, रचनाएं जो भी हैं इस मकबरे में मौजूद, उस सारी चीज़ों को हम एक एक करके आपको अपने ब्लॉग्स में दिखलाएंगे, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत और इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रतीक है, एक एविडेंस है, एक सबूत है। तो इसी की चर्चा करते हुए आज हम धीरे धीरे आपको एक एक कर इसकी हर एक खूबसूरती और हर एक विशेषताएं को आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा। कहा जाता है शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और इनके बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां बचपन से ही कुशल सैन्य निर्माण, बेजोड़ राजनीति और काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसके दम पर बड़े होकर उन्होंने हुमायूं को परास्त कर सूरी राजवंश की स्थापना की, जिसमें उन्होंने राजपूतों से भी काफी अच्छे संबंध रखे और इन्होंने अपने राज्य को काफी विस्तार किया, जिसमें वो कश्मीर छोड़ लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना राज्य जमा लिया। और दुर्भाग्यवश इन्होंने चंदेला राजपूत से लड़ाई करते हुए एक बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई। तभी से लेकर आज तक अपने काल में इस मकबरे का निर्माण कराया, जिनका शव आज तक इसमें स्थापित किए गए हैं। इन्हें अपने हुकूमत के दौरान बिहार के सासाराम में एक अपने नाम का मकबरा बनाया, जो कि आज शेर शाह सूरी मकबरे के नाम से प्रचलित है। और इसके वास्तुकार अनावाली साहब थे। अनावाली साहब ने इस मकबरे का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया। और यह जो आर्किटेक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक कल्चर को देखते हुए किया गया, क्योंकि इसके कुछ मुख्य सबूत हमें नजर आते हैं जब 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 हम इस आर्किटेक्चर को देखते हैं, जैसे कि इनके वो गुंबद, ये मेहराब, ये चीज इंडो इस्लामिक कल्चर को बताते हैं। और दूसरा, यह जो मेहराब है, इनका प्रचलन तुर्कों द्वारा किया गया था। शुरुआत में तुर्कों द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में कुछ मुगलों और सुल्तानों के द्वारा भी इसका काफी प्रचलन जोरों जोरों से रहा। आप अक्सर देखे होंगे जितने भी आर्किटेक्चर हमारे भारत में है, उनमें इसका निर्माण आपने हमेशा देखा होगा कि ये गुंबज और मेहराब हर एक आर्किटेक्चर में नजर आते हैं। तो चलिए, इनका क्या इतिहास है और क्या प्रचलन हुआ, क्या यह गुंबद और ये मीनार मेहराबों का उपयोग रहा, उसका हम थोड़ा इतिहास की तरफ रुख मोड़ेंगे। और चलिए करीब से हम जानते हैं कि किस प्रकार इसका निर्माण हुआ और किस प्रकार ये सब मेहराब और ये गुंबद का प्रचलन चला। गुंबदों और मेहराबों का उपयोग व्यापक द्वार, अस्पष्ट दृश्य
और बड़े स्थान प्रदान किए, जिसके कारण ये उस समय के आर्किटेक्चर में यानी मध्यकालीन भारत के जितने भी आर्किटेक्चर हैं उसमें इनका काफ़ी प्रचलन रहा। आप देख सकेंगे कि जितने भी मिडाइवल जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनमें इनका जोरों शोरों से यूज़ हुआ, क्योंकि उस समय इमारतों को ज़्यादा स्तंभों की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसके कारण दरबार में काफ़ी इजाफा हुआ जगहों का। और अगर बात करें हम इनकी गुंबद की, तो गुंबद एक गोलाकार छत होते थे जो कि भवनों को काफ़ी मजबूत छत प्रदान करते थे। तो चलिए इससे और आगे हम जानेंगे इनके दीवार से लगी सीढ़ियों को, जिन्हें उस समय बावलीज कहा जाता था, तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। और अगर बात करें हम इसकी ये दीवार से लगी सीढ़ियों को, तो ये दीवार से लगी सीढ़ियों को बावलीज कहा जाता है। ये बावलीज सभी को जल उपलब्ध हो इसके लिए ये बावलीज बनाए जाते थे। और बावलीज ये आम तौर के पत्थर के बने होते थे, जिसका मुख्य उपयोग था कि भूमिगत जल को या फिर जो वर्षा जल है वो उससे जल की आपूर्ति करें, और सभी को जल उपलब्ध हो उसके लिए भी ये बनाए जाते थे। और दूसरा इनका एक और यूज़ था कि ये वाष्पीकरण को कम करते थे। इस बावलीज का मुख्य कारण यही था कि ये वाष्पीकरण को कम करते थे। इनमें कुछ कच्छ बनाए होते थे जो कि गर्मी से राहत देते थे, तो इनका उपयोग इसमें भी मध्यकालीन आप जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनमें आप इसका उपयोग देखेंगे। चलिए चलते हैं अब शेरशाह सूरी की कुछ खूबसूरती पर नज़र डालते हैं, जैसे कि पुष्प वगैरह इनके बने हुए हैं, कुछ कुरान के पंक्तियाँ लिखी गई हैं, तो उनके बारे में भी हम कुछ ध्यान देंगे। तो अभी चलते हैं हम शेरशाह सूरी के मकबरे में। मकबरे के भीतर लगभग 24 कब्र हैं और बादशाह शेरशाह सूरी की कब्र मकबरे के बीच में है। इतिहासकारों के अनुसार कालिंजर से बादशाह के शव को लाकर मकबरे के ठीक बीचों बीचों में दफना दिया गया था। तभी से लेकर आज तक बादशाह सलामत की कब्र यहाँ मौजूद है। इसके अलावा इनके कब्र के आसपास इनके करीबी अधिकारियों, परिवारों और सदस्यों के भी कब्र यहाँ मौजूद हैं। अगर हम इसकी खूबसूरती के साथ वास्तुकला की बात करें तो यह 3 मंजिली इमारत है और यह ऊपर से कुर्देरे मुंडेरे से घिरा है। मकबरे के अंदर दक्षिण पूर्वी दिशा से गलियारों से सीढ़ियां भी बनाई गई हैं ताकि आसानी से ऊपर नीचे किया जा सके। इसके अलावा मकबरे के मुख्य गुंबद के चारों ओर अष्टभुज के किनारों पर 8 स्तंभ वाले गुंबद बनाए गए हैं। यदि दीवारों और गुंबदों की बात करें तो दीवारों और गुंबदों के भीतरी भागों को कुरानों के शिलालेखों और सुंदर पुष्प डिजाइनों से भी सजाया गया है। यदि हम इस मकबरे की ऊंचाई की बात करें तो इस मकबरे की ऊंचाई चबूतरे के ऊपर से लगभग 120 फीट और पानी से इसकी ऊंचाई 150 फीट है। साथ ही हम मकबरे की नक्काशी और शिल्प कला पर्यटकों को अफगान स्थापत्य कला की जानकारी देती है।
अगर आप भी सिरसा टॉम अगर घूमना चाहते हैं तो सिरसा टॉम आने से पहले आपको यहाँ एंट्री टिकट फीस लेनी होगी, जो कि हम इंडियंस के लिए ये टिकट 25 रुपये प्रति दर से है और कुछ सार्क बिस्मेटिक टिकट है वो भी 25 रुपये दर से है, और अगर आप फॉरिजनर यहाँ विजिट करते हैं तो उनके लिए यह टिकट 300 रुपये प्रति दर से होगी। साथ ही अगर आप कुछ वीडियोग्राफी करते हैं तो यहाँ वीडियोग्राफी की टिकट शुल्क भी लगती है, जिसके लगभग आई थिंक 25 रुपये हैं। यहाँ पर आपको हम ले चलते हैं, कुछ यहाँ पार्किंग सुविधाएं भी हैं, तो आप यहाँ आएंगे तो अगर आप यहाँ विजिट करने आते हैं और अगर कार या अपने खुद के बाइक से आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग टिकट भी लगेंगे, जिससे आप मात्र 3 घंटा पार्किंग कर सकेंगे इस एरिया में, इस पार्किंग एरिया में। और अगर आप 4-व्हीलर लेके आते हैं तो 4-व्हीलर के टिकट प्रति दर 25 रुपया है और बाइक के लिए 10 रुपया है। इस पार्किंग सुविधा में आपको यही है कि बस आप 3 घंटे आपके गाड़ी यहाँ खड़े रहेंगे, अन्यथा 3 घंटे ज़्यादा होते तो आपके शुल्क और देने होंगे या फिर आपको गाड़ी को बाहर भी निकाल दिया जाएगा यहाँ से। तो चलिए, तो यहीं से मैं अपना ब्लॉग्स एंड करता हूँ और फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक, पौराणिक और रोमांचकारी कंटेंट के साथ। तो अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। हो गया।